हेलो ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ एंड सेंट्रल हिल्स ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक से अकेले जो वीडियो आज आप देखने वाले हो, थोड़ा सा लंबा वीडियो रहेगा दोस्तों, बट इस टॉपिक से आप शॉर्ट एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी तक जितने भी वीडियोज हमने बनाई है, सबसे ज्यादा PYQs जो है इसी पर्टिकुलर टॉपिक से जो है आए हैं। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, लेट्स बिगिन। तो इस पूरे के पूरे वीडियो में दोस्तों हम जितने भी सेंट्रल इंडिया की जो भी हिल्स और माउंटेन रेंजेस आपके उनको देखेंगे, साउथ इंडिया की जितने भी हिल्स और माउंटेन रेंजेस है उनको देखेंगे दोस्तों। तो अभी तक जो है हमने हिमालयस के बारे में जो है इससे पहले से पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। जो ये वाला पोर्शन था, जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उसमें हमने नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स के बारे में बात की थी दोस्तों। अभी का जो मेन टॉपिक है हमारी वीडियो का, जो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, हम इस एरिया को दोस्तों कवर करने वाले हैं, यहां से लेके इस तरीके से ऐसे, ठीक है, ये वाला एरिया। इसके अंदर जो है आपका जो हिल्स और माउंटेन रेंजेस स्टार्ट होती है दिल्ली से लेके राजमहल हिल्स इस एरिया तक, और नीचे जो है आपका कार्डमम हिल्स तक, जितने भी हिल्स और माउंटेन रेंजेस है सबको हम जो है कवर करने वाले हैं। आप देखिए जो ये प्लेटू है एरिया, इसका जो एक्सटेंशन आपको जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहां पर भी देखने को मिलेगा। एक कार्बी एंगलोंग करके जो एक प्लेटू है शिलोंग के पास में, यहाँ पे इस एरिया में, तो ये भी जो है इसी का एक्सटेंशन माना जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन इनकेस आपका यूपीएससी में आए या फिर किसी भी एग्जाम में आए तो आपको पता होना चाहिए, जो ये वाला प्लेट्यू है आपका कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू जो है वो मेन डेकन प्लेट्यू का ही पार्ट है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें हम और क्या क्या डिस्कस करेंगे, बहुत सारी आपके माउंटेन रेंजेस है यहाँ पे, तो उन माउंटेन रेंजेस की हाइएस्ट पीक जो है और उनकी लोकेशन, उनके बारे में डिटेल जो है उसके बारे में भी जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले इन सब हिल्स और माउंटेन रेंजेस को देखते हैं, उसके बाद एक एक करके कौन सी वहां पे हाइएस्ट पीक और माउंटेन रेंज का जो एरिया है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सेंट्रल इंडिया से, और सेंट्रल इंडिया में भी सबसे पहले हम बात करेंगे अरावली के बारे में दोस्तों। यहाँ पे आपको दिख रही होगी अरावली रेंज। अरावली रेंज जो है गुजरात से शुरू होती है दोस्तों, यहाँ से समवेयर अराउंड यहाँ से शुरू होकर दिल्ली तक जाती है दोस्तों। दिल्ली के अंदर आपने रायसेना हिल्स का नाम सुना होगा, गुड़गांव हरियाणा इन सब एरियाज को जो है कवर करती है ये माउंटेन रेंज। अरावली के बारे में अगर बात की जाए तो इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। क्वेश्चन आपका आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, तो याद रखना है अरावली रेंज इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, और यंगेस्ट कौन सी है, हिमालयस, राइट। तो ये जो है 800 किलोमीटर लंबी जो है एक माउंटेन रेंज है, जिसके अंदर जो है हाईएस्ट पीक आपको यहाँ पे पता होगी है, इसके जस्ट साथ में जो है आबू हिल्स के नाम से जो है छोटी सी पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी। माउंट आबू का आपने नाम सुना होगा, एक टूरिस्ट प्लेस है वहां पे, ठीक है। तो उसकी जो है गुरु शिखर नाम से एक जो है हाईएस्ट पीक है, इसको भी आपको याद रखना है, बाकी एक एक करके हम डिटेल में उनको डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अरावली के बारे में अगर मैं बात करूं तो कितनी बड़ी है, 800 किलोमीटर की जो है लंबी माउंटेन रेंज है ये दोस्तों। कंटिन्यूअस रेंज नहीं है, डिसेक्टेड है बीच में से। डिसेक्टेड मतलब यहाँ पे आपको लंबी दिखाई दे रही होगी, बट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गैप है इनके यहाँ पे, ठीक है। जैसे हरियाणा में इनको मेवात हिल्स के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपका हरियाणा के बाद जब ये अंदर एंटर करती है राजस्थान के अंदर, तो इनको अलवर हिल्स के नाम से वहां पे जानते हैं। तो इस तरीके से जो है डिसेक्टेड है, और बहुत सारी जो है आपकी रिवर्स, जैसे कि आपकी प्रोमिनेंट रिवर ऐसे आपकी लूनी रिवर है, वो इन एरिया के आसपास से जो है आपकी निकलती है दोस्तों। तो ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट अरावली रेंज। इसके साथ में जो है आपका वेस्टर्न पार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपका रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये आपका थार का रीजन है, जो कि एक डेजर्ट है दोस्तों, ठीक है, ड्राई डेजर्ट इसको बोलते हैं, बहुत कम रेनफॉल होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मध्य प्रदेश और आसपास के रीजन में पाए जाने हिल्स के बारे में। तो यहाँ पे जो दो आपकी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट माउंटेन रेंजेस आपको देखने को मिलेंगी, पहला है आपका विंध्यान रेंज और दूसरा है आपका सतपुरा रेंज, राइट। इन दोनों रेंज के बीच से जो है आपकी इस तरीके से नर्मदा नदी जो है बहती है दोस्तों, याद रखना है। आपको क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बिटवीन विच टू माउंटेन रेंजेस नर्मदा रिवर फ्लोज, ठीक है। तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी जो है विंध्याज और सतपुरा के बीच से जो है बहती है दोस्तों। सतपुरा के नीचे से जो है आपकी ताप्ती रिवर बहती है दोस्तों, तापी रिवर या ताप्ती रिवर का आपने नाम सुना होगा, वो इसके नीचे से बहती है। इसके आसपास की और क्या क्या इंपॉर्टेंट लोकेशन हैं, मालवा प्लेट्यू दोस्तों ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश और इसके बॉर्डर पे पड़ता है बिल्कुल मालवा प्लेट्यू। उसके बाद इधर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इधर आपको कैमूर रेंज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद इससे नीचे जो आपको मैकाल रेंज देखने को मिलेगी, और यहाँ पे जो है आपको महादेव हिल्स जो है ये देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के अंदर, वो आएगा इन हिल्स को जो है नॉर्थ से साउथ लगाइए, कैसे लगाइए, चार अलग अलग आपको ऑप्शन दे देंगे कि कैमूर, मैकाल, महादेव और सतपुरा, बताओ इनमें से नॉर्थ से साउथ कौन सी हो जाएगी। तो नीचे से शुरू करेंगे हम, तो पहले सतपुरा आएगी, फिर आपकी महादेव हिल्स आएंगी, फिर आपकी मैकाल आएगी, फिर आपकी कैमूर रेंज आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर नॉर्थ से साउथ अगर पूछे
तो कैमूर, मैकाल, महादेव और सतपुरा रेंज इस तरीके से जो है आपकी आती है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ दोस्तों कि इनकी डिटेल पढ़ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आपका नॉर्थ टू साउथ आएगा या फिर हाईएस्ट पीक के ऊपर आएगा या पूछेंगे कौन से स्टेट के अंदर लाई करती है, दैट्स इट। इससे ज्यादा जो है इसमें नहीं आता क्वेश्चन। उसके बाद एक रेंज आपकी पड़ती है अजंता रेंज। इसकी खास बात यह है ये पूरी रेंज जो है ये महाराष्ट्र के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली रेंज जो कि कंप्लीटली एक ही स्टेट के अंदर है, तो वो है आपके अजंता रेंज। सतपुरा आप देखोगे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में है। विंध्यास जो है आपका ये भी गुजरात का थोड़ा सा हिस्सा इसके अंदर टच करता है, और आपका ये जो सतपुरा है ये वाली भी महाराष्ट्र के बॉर्डर को टच करती है। गुजरात की अगर बात करूं तो यहाँ पे आपका पड़ता है रन ऑफ कच्छ, यहाँ पे कच्छ पेनिनसुला, नीचे आपका आता है काठियावाड़ पेनिनसुला और नीचे आती है गिर रेंज। ठीक है, एशियाटिक लायन का आपने नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ एनिमल है हमारे लिए, तो वो जो है आपको गिर नेशनल पार्क के अंदर आपको देखने को मिलेगा गिर रेंज में। ठीक है, इससे नीचे आपकी पड़ती है यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात और यहाँ पे जो है सतमला हिल्स के नाम से जो एक छोटी छोटी पहाड़ियां जो है आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको सारा क्लियर हो गया होगा। इस साइड अगर चले थोड़ा सा और दो तीन चीजें बची है यहाँ पे। सबसे पहले आपका गर्जात हिल्स, ये जो है बॉर्डर पे पड़ता है झारखंड और उड़ीसा के आपका। फिर आपका आता है ऊपर हजारीबाग प्लेटू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हजारीबाग प्लेटू एक ऐसी जगह है झारखंड के अंदर और इसका बॉर्डर पे जो है जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स के रिजर्व्स आपको देखने को मिलेंगे। आप देखोगे कोयला वगैरह जितने भी होते हैं ना आपका झारखंड ओडिशा वाले इसी रीजन के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद आपका है फिर रामगढ़ हिल्स। ठीक है, रामगढ़ हिल्स आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो लोकेशन है आपकी यहाँ पे रामगढ़ हिल्स है और उसके अलावा जो है एक और बचता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद रामगढ़ हिल्स के अलावा यहाँ पे एक जगह बचती है परसनाथ, ये भी जो है हिल्स है बेसिकली, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं परसनाथ की और नीचे जो है बादाम पहर है। बादाम पहर का जो है आपने काफी बार नाम सुना होगा, बादाम पहर माइंस के नाम से भी बहुत फेमस है, तो इसको याद आपको रखना है, ओडिशा के अंदर है। और फिर आपका पड़ता है गर्जात हिल्स, ये भी जो है आपको याद रखना है। ठीक है, इनकी लोकेशन वाइज कैसे क्वेश्चन पूछेगा, चार माउंटेन देगा अलग अलग या हिल्स देगा, पूछेगा कि इनको वेस्ट से ईस्ट में लगाओ, कौन कौन सी है, महादेव है, मैकाल है, गर्जात है, बादाम पहर है, तो इनको नाम आपको याद रखने और स्टेट याद रखने की कहां पे है, एटलीस्ट एक रफ आइडिया आप लगा सकते हो, क्योंकि एलिमिनेशन में जो है काफी हेल्प ये करेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो ये थी सारी की सारी सेंट्रल इंडिया की जो हिल्स है, अब हम बात करेंगे साउथ इंडियन हिल्स के बारे में दोस्तों। ठीक है, उससे पहले बढ़ने से पहले साउथ इंडिया कि जितनी भी हिल्स है उनको कवर करने से पहले एक एक को जब हम कवर करें, दो प्रोमिनेंट जो है आपको रेंजेस देखने को मिलेगी, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। दोस्तों काफी बार जो है इन दोनों रेंजेस के ऊपर कई क्वेश्चन जो है पूछ लेता है, तो ये है आपका साउथ इंडिया का पोर्शन, सबको उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा और आपने पढ़ा होगा बहुत बार। तो हमारी दो प्रोमिनेंट कोस्ट है दोस्तों, जो हमारी वेस्टर्न कोस्ट है उसको हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो, और जो ईस्टर्न कोस्ट है इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, ये आपको याद करके रखना है, मालाबार कोस्ट और इधर है आपका कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लंबी माउंटेन रेंजेस आपको देखने को मिलेंगी, एक है वेस्टर्न घाट्स, एक है ईस्टर्न घाट्स। आपका वेस्टर्न घाट जो है गुजरात के जो बॉर्डर है यहां से शुरू होकर आपका नीचे केरला का जो बिल्कुल एंड पॉइंट है कार्डमम हिल्स, यहां तक आता है दोस्तों। ठीक है, अब इसको ना अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि आपका महाराष्ट्र के अंदर इनको सह्याद्री पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नीचे कर्नाटका और तमिलनाडु में जो है इसको नीलगिरी के नाम से जो है जाना जाता है, और इससे नीचे जो है जो केरला के अंदर आपकी जो है पहाड़ियां है इनको जो है अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, इधर अगर मैं बात करूं आपकी ईस्टर्न घाट्स के बारे में, तो ईस्टर्न घाट जो है ये आप देख सकते हो बीच में टुकड़ों में टूटी हुई है, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी माउंटेन रेंज ऐसी है जो डिसेक्टेड है या फिर टुकड़ों में टूटी हुई है, तो याद रखना है ईस्टर्न घाट जो है वो टुकड़ों में टूटे हुए हैं, डिसेक्टेड है, डिसेक्टेड इन द सेंस कंटिन्यूअस रेंज नहीं है बेसिकली। ठीक है, वेस्टर्न घाट आप देखो पूरी की पूरी कंटिन्यूअस रेंज है। एक क्वेश्चन आपका आता है कि वो कौन सी जगह है जहां पे ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट जो है आपको एक ही जगह मिलते हुए दिखाई देंगे, तो याद रखना है नीलगिरी का जो एरिया है वहां पे जो है ये दोनों हिल्स आपकी मिलती हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स भी और आपके ईस्टर्न घाट्स भी। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरीज क्या है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। दो इंपॉर्टेंट पीक है दोस्तों यहाँ पे, एक है आपकी अनामुड़ी, एक है आपकी डोडाबेटा, राइट। तो डोडाबेटा जो है वो आपकी हाईएस्ट पीक है नीलगिरी की, याद रखना है, उसकी जो हाइट है 2637 मीटर है। उसके बाद अनामुड़ी जो है ये हाईएस्ट पीक है पूरे साउथ इंडिया की जितनी भी हिल्स हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है अनामुड़ी पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स 2695 मीटर या फिर साउथ इंडिया बोल सकते हो। नीचे फिर आपका छोटा से एक हिल्स पड़ती है, इसको बोलते हैं कार्डमम हिल्स और लोकल लैंग्वेज में इसको येलामेला हिल्स के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा ये पूरी की पूरी कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है वेस्टर्न घाट। यहाँ पे छोटा सा एक गैप आता है 30 किलोमीटर का, जिसको हम पालघाट गैप या पलक्कड़ गैप के नाम से जानते हैं, केरला के अंदर पड़ता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके जो थ्योरी
चलिए दोस्तों अब कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के डिफरेंसेस की। ये जो डाटा आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों बहुत जगह से कंपाइल करके हमने बहुत मेहनत करके जो है तैयार किया है, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर बनता है और कमेंट भी कर दीजिए अगर आपको अच्छी लग रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइट के बारे में। तो हाइट जो है दोस्तों वेस्टर्न घाट की बहुत ज्यादा है, इन कंपेरेटिवली वी कंपेयर इट विद द ईस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पे 1200 से 1500 मीटर आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे सिर्फ 150 से 300 मीटर की हाइट जो है ईस्टर्न घाट्स में आपको देखने को मिलेगी। स्टेट्स की अगर मैं बात करूँ तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला के अंदर आपको देखने को मिलेंगे वेस्टर्न घाट्स, और ईस्टर्न घाट जो है आपके ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे तमिलनाडु भी ऐड कर लीजिए, कुछ लोकेशन है जैसे नीलगिरी वगैरह है वो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे। कंटिन्यूटी की बात करूं तो ये जो है कंटिन्यूअस रेंज है, ये जो है डिसकंटिन्यूअस रेंज है। हमने पढ़ा था ऊपर जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कि ईस्टर्न घाट जो है बीच में से डिसेक्टेड है, राइट। उसके बाद फॉर्म किस प्रोसेस से फॉर्म हुए, तो सबडक्शन ऑफ अरेबियन बेसिन से जो है फॉर्मेशन इनका हुआ है, ये जो है ईस्टर्न घाट वाले फोल्ड माउंटेन से बेसिकली। ठीक है, एवरेज रेनफॉल की अगर बात करूं तो वेस्टर्न घाट्स के अंदर 150 प्लस सेंटीमीटर का रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर से कम का रेनफॉल होता है। फॉरेस्ट की अगर बात की जाए तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, इधर जो है आपकी ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट है, रीजन बीइंग बारिश कम है तो यहाँ पे डेसीडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगी। सोइल की अगर बात की जाए तो लेटराइट सोइल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे रेड सैंडी सोइल है। रॉक्स जो है चेनोचेट वाली जो है रॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, यहाँ पे जो है नीस और कोंडोलाइट रॉक्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, हाईएस्ट पीक यहाँ की जो है अनामुड़ी है 2695 मीटर, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे जो है जिंदागाड़ा पीक है जो 1690 मीटर की है। क्रॉप जो है इस एरिया के अंदर कॉफी का प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत बढ़िया होता है। वेस्टर्न घाट के अंदर एक जगह है बाबा बुदान हिल्स करके, वहां पे जो है अच्छी कॉफी का प्रोडक्शन होता है। इस एरिया के अंदर आपका राइस का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, एलिवेशन जो है इसका ज्यादा है, यहाँ पे जो एलिवेशन लोअर है। माउंटेन इनको सह्याद्री, अनामलाई, नीलगिरी और कार्डमम हिल्स के नाम से जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे इनको ईस्टर्न घाट्स के नाम से जानते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एस्कार्पमेंट फॉर्म्स एक्सेलेंट एस्कार्पमेंट रिच वॉटरशेड गिव बर्थ टू द लार्ज पेनिनसुलर रिवर लाइक गोदावरी एंड कृष्णा। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी नदियां जो है आपको निकलती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पे जो है कोई ऐसी प्रोमिनेंट नदी नहीं है ईस्टर्न घाट्स की, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद कौन सी कोस्ट से सेपरेट होती है, नैरो कोस्टल प्लेन से और इधर जो है वेरी वाइड कोस्टल प्लेन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको। इसमें बोल रहा है कि वेस्टर्न घाट के बीच में और कोस्ट के बीच में कितना डिफरेंस है, तो ये बहुत कम है, इधर बहुत ज्यादा है। इधर आप देखोगे ऊपर काफी ज्यादा डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखाई देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थे आपके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इन्हीं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का ही पार्ट है जिन हिल्स के बारे में बात करने वाले हैं, छोटे छोटे कुछ हिल्स इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं अभी। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं साउथ इंडियन हिल्स के बारे में। दोस्तों शुरुआत करेंगे हम ऊपर वाली महाराष्ट्र की, दो तीन रेंजेस यहाँ पे बची हुई है उनको देख लेते हैं, फिर साउथ में आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका सतमाला हिल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत छोटी सी पहाड़ियां हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अजंता रेंज कंप्लीटली जो है महाराष्ट्र के अंदर है आपकी। हरिश्चंद्र रेंज जो है इस तरीके से आपको दिखाई देगी, और ये है आपकी बालाघाट रेंज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चारों पांचों के आपको नाम याद रखने, सभी के सभी जो है महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, इधर आप देखोगे तो नॉर्दर्न सिलकास करके है, उसके बाद ये आपकी बहुत सारी जो है छोटी छोटी पहाड़ियां आपकी आ जाती है। सबसे पहले है बाबा बुदान हिल्स, वेरी फेमस फॉर द कॉफी प्रोडक्शन। कॉफी वाली वीडियो में भी हम इसके बारे में बात करेंगे, और अभी हमने देखा था इससे पहले कि वहां पे जो है काफी अच्छी क्वालिटी की जो है आपकी कॉफी प्रोड्यूस की जाती है, राइट। फिर आपका नीचे आता है नीलगिरी। नीलगिरी वो एरिया है जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों आके मिलते हैं, हमने डिस्कस किया था ये चीज जस्ट अभी थोड़ी देर पहले। इसकी जो हाइएस्ट पीक है नीलगिरी की, जो हाइएस्ट पीक है वो डोडाबेटा है, जो कि 2637 मीटर है। चलो एक फोटो दिखाता हूँ आपको। तो देखा आपने फोटो, ये फोटो जो है डोडाबेटा का ही है, मैं वहां पे स्पेसिफिकली गया था। फिर आपका आता है अन्नामलाई हिल्स। ये अन्नामलाई हिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे ना छोटे छोटे बहुत सारे नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उन्हीं में से एक नेशनल पार्क का फोटो मैं आपके सामने भी डाल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नीचे अनामुड़ी। अनामुड़ी जो है एक माउंटेन पीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2695 मीटर इसकी हाइट है। पूरे साउथ इंडिया में जितनी भी हिल्स हैं आपकी, इसकी हाइएस्ट पीक है अनामुड़ी, याद रखना है दोस्तों। ठीक है, जिस जगह मैं अभी खड़ा हूँ ये जगह आती है मुन्नार एरिया के पास में, मेरे पीछे एक माउंटेन पीक आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो माउंटेन पीक है ये है आपकी अनाईमुड़ी। साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है दोस्तों अनाईमुड़ी, ये आती है आपकी अनाईमलाई हिल्स के अंदर, जो कि वेस्टर्न घाट्स का एक पार्ट है। इसकी हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 2695 मीटर जो है इसकी हाइट है दोस्तों, और ये बहुत फेमस एरिया है मुन्नार। यहाँ के टी गार्डन्स बहुत फेमस है, आप मेरे पीछे जो है देख सकते हो टी गार्डन्स यहाँ के।
ये जो टी गार्डन्स है प्रॉपरली तरीके से जो है आपको यहाँ पे बहुत सारे टी गार्डन्स देखने को मिलेंगे, और मुन्नार की जो है टी बहुत फेमस है दोस्तों, ठीक है। ये जो एरिया है इससे थोड़ा सा आगे एराविकुलम नेशनल पार्क जो है वो भी यहाँ पे पड़ता है। उसके बाद आपका नीचे आती है ये जो हिल्स है छोटी छोटी, ये है आपकी कार्डमम हिल्स। कार्डमम का मतलब होता है इलायची, क्यों बोला जाता है, केरला जो है एक स्पाइस स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे जो है स्पाइसेस आपको देखने को मिलेंगे, पेपर, उसके बाद आपका लाल मिर्च, ये सब चीजें जो है आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग, सबसे ज्यादा डाउटफुल जो है वो है आपकी ये सारी पहाड़ियां, ठीक है। शुरुआत करेंगे हम नीचे से। नीचे आपकी है पंचामलाई हिल्स, तमिलनाडु के अंदर है। इसके ऊपर आपकी पड़ती है शेवरो हिल्स, फिर पड़ती है जवारी हिल्स, ठीक है। उसके बाद पड़ती है आपकी वेलिकोंडा हिल्स, फिर पालकोंडा, फिर नल्लामला, ठीक है। इस तरीके से आपकी इनको याद करके रखना है आपको। देखो इन दोनों के बीच में तो आप कंफ्यूज मत हो, ये रीजन बिंग ऊपर से अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे, ठीक है, नॉर्थ की साउथ की तरफ जाएंगे तो पहले जवारी आएगा, फिर आपका शेवरो हिल आएगा, ठीक है, याद रखना। उसके बाद फिर आपका पंचामलाई हिल्स आएगा। तो इसको देखो किस तरीके से आप याद कर सकते हो, दो तीन बार खुद से बना के देखो, सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है। जैसे इनको ढक के एक बार देख लिया अपना, अच्छा पहले नल्लामला है, फिर पालकोंडा है, फिर वेलिकोंडा है, फिर जवारी हिल्स है, ठीक है। इस तरीके से इनको याद करोगे, नल्लामला, पालकोंडा, वेलिकोंडा, जवारी, इस तरीके से कोई ट्रिक भी आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया की हिल्स के बारे में हमने अभी देखा। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ज्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाओगे। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कुछ हाईएस्ट पीक और उनकी लोकेशंस। सबसे पहले आपका इंडिया, इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है वो है आपकी दोस्तों K2 और गॉडविन ऑस्टिन, राइट। देन आपके आती है अरावली, अरावली की जो हाईएस्ट पीक है वो आपकी गुरु शिखर है, माउंट आबू के अंदर देखने को मिलेगा, 1722 मीटर जो है इसकी हाइट है दोस्तों। नेक्स्ट आपका ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट की जो है अरमाकोंडा के नाम से जो है आपको ये देखने को जगह मिलेगी, सेम जो है इसको जिंदा गाला गाड़ा के नाम से भी जो है जानते हैं, 1690 मीटर इसकी हाइट है। मिजोरम की अगर बात करूं तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में ब्लू माउंटेन्स और फांगपुई के नाम से जो है एक जगह देखी थी, 2157 मीटर उसकी हाइट है दोस्तों। नागालैंड की जो हाईएस्ट पीक है वो आपकी सरामती पीक है दोस्तों, याद रखना है। सतपुरा की हाईएस्ट पीक है वो धूपगढ़ है दोस्तों, महादेव हिल्स के अंदर पड़ती है, 1350 मीटर की जो है इसकी हाइट है। वेस्ट बंगाल के अंदर जो है संदापू जो है 36 मीटर की इसकी हाइट है, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड के अंदर नंदा देवी पड़ता है 7816 मीटर। वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है आपकी अनाईमुड़ी है, और अंडमान एंड निकोबार की जो हाईएस्ट पीक है वो आपकी सैडल पीक है दोस्तों। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए अंडमान एंड निकोबार की सेकंड हाईएस्ट पीक का क्या नाम है। अभी हाल फिलहाल में आई थिंक एक साल पहले जो है सीडीएस का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब चलते हैं कुछ एमसीक्यू सोल्व करते हैं अभी। सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ एक चीज और, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं वो कम से कम 4 बार 5 बार पूछे गए हैं, तो उनका मैं एक ही क्वेश्चन पढ़ूंगा दोस्तों, बाकी आप खुद सोल्व करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इन इंडिया कार्डमम हिल्स आर रिगार्डेड एज द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ईस्टर्न घाट्स, मिजो हिल्स, नागा हिल्स, वेस्टर्न घाट। बताया था मैंने गुजरात से लेके नीचे तक पूरा का पूरा जो है वेस्टर्न घाट जो है फैला हुआ है आपका, कार्डमम हिल जो है वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है आपका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एनडीए 2023 का, अभी जो एग्जाम हुआ है कुछ दिन पहले उसका क्वेश्चन है। द सदर्न पॉइंट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज फाउंड बाय द नीलगिरी हिल्स वेयर एंड द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट्स मीट, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आपका, कार्डमम हिल्स में बी रिगार्डेड एज द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द ईस्टर्न घाट, अगेन सेम क्वेश्चन ऊपर का है, तो ये आपके स्टेटमेंट गलत है, तो ए वन ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेलिकोंडा ग्रुप ऑफ लो हिल्स इज अ स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ सीडीएस 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों। नीलगिरी हिल्स नो, वेस्टर्न घाट्स नो, कार्डमम हिल्स नो, ईस्टर्न घाट। मैंने आपको बताया था अभी जितने भी हिल्स है आपके तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में, सारी की सारी जो है ईस्टर्न घाट का ही पार्ट है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका, वेलिकोंडा हिल्स विच इज अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स इज सिचुएटेड इन, कौन से स्टेट के अंदर है दोस्तों ये पूछा है, तो ओडिशा नहीं हो सकता, तमिलनाडु नहीं है दोस्तों, कर्नाटका भी नहीं है, आंध्र प्रदेश है। ओडिशा को आप एलिमिनेट इजिली कर सकते हो, कर्नाटका को भी बहुत इजिली एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अरेंज द फॉलोइंग हिल्स ऑफ साउथ इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ जो है लगाने हैं ऐसे। ऑप्शन है नीलगिरी, कार्डमम, नल्लामला और अनायमलाई, ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है बहुत ध्यान से आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनमें से साउथ में सबसे कौन सा है, ठीक है, तो सबसे साउथ में इसमें कार्डमम हिल्स हमें पता है, तो यहाँ पे आपके आ जाएंगे कार्डमम हिल्स। इससे ऊपर जो है कौन सा आएगा आपका, अनामलाई, याद है वो डिफरेंस हमने पढ़ा था उसके बीच में। देन आपका इससे ऊपर कौन सा है, इन दो में आप कंफ्यूज हो जाओगे, नीलगिरी और नल्लामला में, तो याद रखना है पहले नीलगिरी आएगा, उसके ऊपर जो है राइट हैंड साइड में हमने पढ़ा था नल्लामला के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा नीलगिरी और इससे ऊपर जो है नल्लामला। तो 3-1, उसके बाद आपका 4 और नीचे आपका आएगा 2, 3-1-4-2,
3142, तो ए ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब देखिए कितनी बार भर भर के क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन 2008 सिविल सर्विसेज में पूछा हुआ है, बीपीएससी 2016 में पूछा है, बीपीएससी 1993 में भी पूछा है, बताओ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर फाउंड वेयर द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मीट, अगेन नीलगिरी हिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, अगेन मैंने आपको बताया था अनाईमुडी। कंफ्यूज नहीं करना है दोस्तों, अनाईमुडी और डोडाबेटा के अंदर कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, डोडाबेटा हाईएस्ट पीक है नीलगिरी की, साउथ इंडिया की है अनामुडी। ठीक है, अनाईमुडी या अनामुडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ हिल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया लोकेटेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो अगर जब जाओगे तो कौन सी आएंगे। ऑप्शन क्या है, मैकाल, सतपुरा, महादेवन, छोटा नागपुर। सबसे पहले ये देख लो कि इनमें से कौन सी ऐसी जो एक्सट्रीम राइट वाली है, तो छोटा नागपुर जो है ये सबसे एक्सट्रीम वाली होगी। उसके अलावा क्या क्या ऑप्शन बचते हैं आपका, ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, इसमें दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, महादेव और मैकाल, हमने पढ़ा था महादेव कुछ इस तरीके से था और मैकाल जो है इसके ऊपर था इस साइड, तो वैसे इसमें हम जाएंगे पहले महादेव आएगा फिर मैकाल आएगा, तो इसके यहाँ पे मैकाल आ गया, यहाँ पे आपका आ गया महादेव। ठीक है, महादेव, और पहले इसके नीचे जो आएगा आपका सतपुरा आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका करेक्ट आंसर इसका निकलेगा बी ऑप्शन, सतपुरा, महादेव, मैकाल एंड छोटा नागपुर। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ एंड गोइंग टुवर्ड्स द साउथ, अगेन नॉर्थ से साउथ जब आप जाओगे तो कौन सी हिल्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सेम क्वेश्चन आ गया, नल्लामला हिल्स, जवाड़ी, नीलगिरी और अन्नामलाई। ये इस तरीके से भी देखना है दोस्तों, ऐसा नहीं कि नॉर्थ से साउथ में सीधा इधर वाली उठा के दे देंगे आपको, साइड वालियों को भी थोड़ा सा एनालिसिस करना है आपको। सी ऑप्शन आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आपका, कंसीडरिंग द लोकेशंस ऑफ माउंटेन्स इन इंडिया, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द राइट सीक्वेंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ इन्होंने पूछा इस बार। ठीक है, तो साउथ में सबसे नीचे देखो कौन सा दिया हुआ है आपका, ऑप्शन दे रखा है डोडाबेटा, कैलाश, धोलागिरी और विंध्याचल। ठीक है, तो कैलाश हमें पता है सबसे ऊपर है दोस्तों। ठीक है, कैलाश जो है सबसे ऊपर है और डोडाबेटा जो इन ऑप्शंस के हिसाब से सबसे नीचे है, तो देखो कौन सा ऑप्शन है। डोडाबेटा और विंध्याचल नहीं हो सकता, धोलागिरी ये वाला नहीं हो सकता, धोलागिरी भी नहीं हो सकता, तो डोडाबेटा, विंध्याचल, धोलागिरी और कैलाश, बी ऑप्शन आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आपका, अरावली, विच ऑफ द फॉलोइंग ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, तो ये देखो क्वेश्चन कितने बार आया है, सीडीएस 2009, आरएएस आरटीएस प्री 2003, एमपीपीसीएस 1993, यूपीपीसीएस 2017, यूपीपीएससी 2010, एमपीपीसीएस 1995, यूपीपीसीएस 1991, सीएपीएफ के अंदर भी आया एक बार ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अगेन आंसर क्या है, सी ऑप्शन, अरावली। ये अरावली के फैक्ट आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अप्रोक्सीमेट एज ऑफ अरावली रेंज क्या है, आईएएस 2001 में पूछा गया था परी में, 570 मिलियन ईयर्स जो है इसकी अप्रोक्सीमेट एज है। चलिए नेक्स्ट आपका, मैच द फॉलोइंग लिस्ट बनानी है। यहाँ पे आप देखिए, डोडाबेटा मैंने बताया था नीलगिरी का हो गया आपका। ठीक है, गुरु शिखर जो है आपका अरावली का हो गया, यहाँ पे बी का वन, डी का थ्री, देखो बी का वन और डी का थ्री, सी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, धूपगढ़ आ गया आपका सतपुरा का और अनाईमुड़ी आपके अन्नामलाई का। ठीक है जी, इस तरीके से करना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप्स इज डोमिनेंटली फाउंड इन द ब्लू माउंटेन्स। ब्लू माउंटेन्स दोस्तों, इसके अंदर जो है आपको टोडा ट्राइब आपको देखने को मिलेगी। ये मैं बात कर रहा हूँ ऊटी के पास में जो है जगह है, ऊटी जो है आपके, आपने सुना हो अगर, तो ऊटी के पास में रहती थी ये टोडा ट्राइब्स। ठीक है, तो उस एरिया को जो है ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है, ये इसकी थ्योरी है, बाकी आप पढ़ लेना, उसका फोटो मैं डाल देता हूँ। ठीक है, अगेन स्टेट ऑफ इंडिया और हाईएस्ट पीक, यहाँ पे आप देखोगे नागालैंड की सलामती आ गई, यहाँ पे मध्य प्रदेश की आपके आ गई यहाँ पे धूपगढ़, तमिलनाडु के आपके आ गई डोडाबेटा और राजस्थान की गुरुशिखर। ठीक है जी, तो मिलाओ इनको क्या आएगा, तमिलनाडु की डोडाबेटा, राजस्थान की गुरुशिखर, नागालैंड की सलामती और ये धूपगढ़ आ गई। ठीक है, ऑप्शन आएगा करेक्ट डी ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से सोल्व करना। वेयर आर झुमरी तलैया एंड मंदार हिल्स सिचुएटेड, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सीपीएफ का क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखना है जो मंदार हिल्स जो आपकी थी, सॉरी जो झुमरी तलैया और मंदार हिल्स है आपकी, वो झारखंड के अंदर है, बहुत छोटी सी है इसलिए मैप के ऊपर हमने लोकेट नहीं किया, बट क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए मैंने डाल दिया। झुमरी तलैया इज अ सिटी इन कोडरमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इंडिया, सिचुएटेड इन द दामोदर वैली, मंदार पर्वत ऑल्सो नोन एज द मंदार हिल इज अ स्मॉल माउंटेन सिचुएटेड इन द बंका डिस्ट्रिक्ट अंडर द भागलपुर, 700 फीट हाइट है और 45 किलोमीटर साउथ पड़ता है भागलपुर सिटी से, तो याद रखना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट आपका, धूपगढ़ पीक इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे है धूपगढ़, सतपुरा रेंज के अंदर दोस्तों देखने को मिलेगी। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका, ये दो क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग वाले हैं, 1, 2, 3, 4, ये देखने से पता चल रही है ये आपकी होगी अरावली। ठीक है, तो सी का वन आ जाएगा आपका, सी का वन, देखो सी का वन, या तो ये ऑप्शन होगा या ये होगा, इन दोनों को काट दो। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेकेंड है, ये थर्ड है, विंध्या सतपुराज। ठीक है, टू का
ये जो टू है आपका, ये आपका विंध्या हो गया, तो बी का टू आ गया आपका, इसमें देखो बी का टू, ये तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इधर आप देखोगे ये आपका महादेव है और यहाँ पे आपका सतपुराज है। सिमिलर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था आपका सीडीएस का, ये वाला क्वेश्चन है आपका एनडीए का, ठीक है। इसमें आप देखोगे विंध्याज, सतपुरा, महादेव और ये आपका महादेव से आगे मैकाल, ठीक है, 1 2 3 4। तो इधर इसमें देखिए क्या है, ऑप्शन आएगा इसका डी ऑप्शन, ए का टू आ जाएगा, सतपुरा का सेकंड आ जाएगा यहाँ पे और सी का वन आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट आपका कोस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, कार्डमम हिल जो है वो कोरोमंडल कोस्ट पे है, उसके बाद जो है आपका कैमूर हिल जो है वो कोंकण कोस्ट पे, महादेव सेंट्रल इंडिया में, मिकिर हिल्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है। अब देखिए कार्डमम हिल्स हमने पढ़ा था, इधर है आपका कार्डमम हिल्स, ठीक है, तो ये कौन सा हुआ, मालाबार कोस्ट हुआ, कोरोमंडल नहीं है, तो इसको एलिमिनेट कर दो यहां से, पहला ऑप्शन चला गया आपका। कैमूर हिल्स जो है वो आपकी कोंकण कोस्ट में नहीं है, सेंट्रल इंडिया में है आपकी कैमूर हिल्स, ठीक है, तो इसको भी आप काट दो, तो इसका ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन 3 एंड 4, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट समिट ऑफ नीलगिरी हिल्स, अगेन डोडा बेटा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए डोडा बेटा का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट आपका मेघालय रीजन इज अ पार्ट ऑफ, स्ट्रक्चरली मेघालय रीजन इज अ पार्ट ऑफ डेकन प्लेट्यू, मैंने बताया था आपको शुरुआत में ही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सीडीएस 2016 क्वेश्चन है, शिलोंग प्लेट्यू इज एन आउटलेयर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, अरावली माउंटेन इज द ओल्डेस्ट माउंटेन चेन ऑफ इंडिया, ये भी सही है और ये भी सही है, विंध्याज आर द एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन, ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है दोस्तों, विंध्याज माउंटेन रेंज जो है वो रिलिक्ट माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन नहीं है। नेक्स्ट है आपका कंसिडर द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया, वेस्टर्न घाट, अरावली एंड ईस्टर्न हिमालयाज, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इनमें से कौन से हैं। वैसे तो ये टॉपिक बहुत जाके एंड में आएगा, बट इनका नाम था तो हमने ये क्वेश्चन डाल दिया है। तो इंडिया के अंदर आपको याद रखना है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालयाज, ये दो रीजन ऐसे जहां पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को आपको मिलेगा। बहुत क्वेश्चन आया है तो सेकंड ऑप्शन हटा दो, इसमें ये हट जाएगा, आपका बी ऑप्शन आंसर बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सिविल सर्विस 2005, वेस्टर्न घाट आर रिलेटिवली लोअर इन देयर नॉर्दर्न रीजन, द नाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट, तापी रिवर लाइज टू द साउथ ऑफ सतपुरा, नर्मदा एंड तापी वैलीज आर सेड टू बी द ओल्ड रिफ्ट वैलीज। तो ये तीनों स्टेटमेंट नीचे वाली सही है, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, वहां पे हाइयर आपको देखने को मिलेगी पीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट इन इंडिया, कौन सी माउंटेन रेंज है, अरावली नहीं है, सतपुरा भी नहीं है, अजंता रेंज मैंने आपको बताई थी महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, सह्याद्री तो पूरा बहुत सारे स्टेट्स में है वेस्टर्न घाट्स में, महादेव हिल, सह्याद्री पर्वत एंड सतपुरा रेंज, इनको जो है नॉर्थ से साउथ लगाना है, ठीक है जी, नॉर्थ से साउथ। देखो एक बार महादेव आपकी मध्य प्रदेश में होगी, सह्याद्री जो है आपकी पूरा वेस्टर्न घाट हो गया और आपका सतपुरा जो है इनके बीच में आएगा, ठीक है, तो महादेव ये आएगा आपका 1 3 एंड 2, सी ऑप्शन, ठीक है, टाटा बाय बाय। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। प्लीज अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए आपका वैल्यूएबल फीडबैक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और पूछना चाहता हूं मैं आपसे कि कैसी लग रही है आपको सीरीज, क्या आपको लगता है जब हमारी पूरी वीडियोस हो जाएंगी, समवेयर अराउंड 80 to 100 वीडियो का टारगेट हम लेके चल रहे हैं, क्या ये सीरीज आपके लिए जेन्युइनली बेनिफिशियल है, अगर आप इसे देख रहे हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले इस सीरीज को कंप्लीट करने का। टिल द टाइम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।